भाई हम लोग एग्जिट से एंट्री मार रहे हैं। आज सोनपुर मेले का लास्ट दिन है। आप लोग मेरे नज़र से देखो सोनपुर मेले का खूबसूरती। अब कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मेले के बारे में, जो सुनकर बोलोगे क्या वाकई में ऐसा था सोनपुर। करें कुछ हिस्ट्री का, तो सोनपुर मेला करीब 34 किलोमीटर स्क्वायर फीट में फैला हुआ होता था, बट अब ये काफ़ी सिमट गया है। एक वक्त था जो सोनपुर मेले में थिएटर का अपना एक पहचान हुआ करता था। गाड़ियों का मेला, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्किंग हैं सोनपुर मेला के लिए, तो सोच के देख लो भीड़ का क्या आलम होगा। ये सामने जो शख्स हेलमेट पहन रखा है, पर्ची ले रहा है, ये कोई और नहीं, हमारे सोनू भैया हैं। दोनों भैया कितने सारे पैसे कलेक्ट करोगे भाई साहब से। हाय, दिस इज संदीप। आज हम लोग सोनपुर मेला में हैं, मैं और मेरे साथ इधर बोलू मटोलू सोनू भैया। हेलो भाई जी, के मुताबिक इस रोड हरिहरनाथ मंदिर की तरफ जाता है, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर का मेला, इस हरिहर क्षेत्र का भी मेला कहते हैं। कारण ये है कि यहाँ पे भगवान विष्णु का एक मंदिर है, जिसे हरिहरनाथ मंदिर बोलते हैं। इसी इलाके में है और यहाँ पे जो मेला लगता है, डेट्स वाई इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। ये मनोकामना सिद्ध सूर्य एवं शनि मंदिर है। शाम का वक्त है, बेहद खूबसूरत नज़ारा है और ये मेले का एरिया। जैसे जैसे शाम ढलते जाएंगे खूबसूरती बढ़ते जाएगा और मैं दिखाते जाऊंगा। हरिहरनाथ मंदिर की तरफ जाता है, प्रसाद सजे हुए हैं, पूजा पाठ की सामाने मिल रही हैं। सामने जो देख रहे हो ये हरिहरनाथ मंदिर है। इसी मंदिर के नाम पे इस क्षेत्र में जो मेला लगता है, उसका नाम हरिहरनाथ का मेला या हरिहर क्षेत्र मेला भी बोलते हैं। और ये सोनपुर में है, इसलिए इसे सोनपुर मेला भी बोला जाता है। हरिहर मंदिर के जस्ट अपोजिट ये छोटा सा खूबसूरत सा महावीर मंदिर, मंदिर के अंदर एंटर करने के बाद का ये दृश्य। ये हरिहरनाथ का मंदिर अंदर से देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। इस मंदिर के कंपस में बहुत सारे छोटे छोटे देवी देवताओं का भी मंदिर है। से मूव करेंगे अब मेला क्षेत्र की तरफ। आप लोग भी मेरे साथ रहो और देखो कैसा है सोनपुर का खूबसूरत। ये सोनू भाई आज से आप प्रण ले लीजिए, मांसाहार बिल्कुल ग्रहण करेंगे। ये मंदिर के सामने सजा हुआ सोनपुर खूबसूरत का एक और मार्केट। इसके रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो एक सुंदर सा छोटा सा गेट बनाया है, जो लाइट से डेकोरेट किया हुआ है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, शाम होते जा रहा है, आज मेले का लास्ट दिन है। उम्मीद करता हूँ कि भीड़ कम होंगे। सोनू भैया बिजी हो गए अपने वाइफ के लिए चूड़ियों का मेला में। Thank you.
मेले के पहचान पशु मेला के साथ साथ कपड़े, खाने पीने की चीज़ें और लोहे के बने औजार भी यहाँ मिलते हैं। सुख एक तरफ, मेरा चाय एक तरफ। भाई जी चाय पिलाया जाए। भाई ठंड हो और कड़ाके की और कुल्हड़ वाली चाय हो, इसकी मज़ा ही कुछ और है। भैया अब चले स्वेटर खरीदने, और अकॉर्डिंग टू भैया, भैया का कहना है कि सीजन खत्म होने के बाद भी कितने दिन रहते? दो महीने इन लोग रुकते हैं, और 2 महीने तक लोग आते भी है। तो सोनपुर मेले की यही खासियत है। और मार्केट थोड़ा सा नाटा होते जा रहा है। जो फर्स्ट टाइम आएगा वो तो कंफ्यूज होगा कि भाई मुझे चारों तरफ तो एक ही जैसा दिख रहा है। लवर के लिए अपना कप फिल्टर है। कहाँ से हो बाबू? बतियारी। Close your eyes. कहाँ से हैं सर आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए हैं? भरतपुर राजस्थान। हाय टेडी बियर खास मुझे बहुत पसंद है। पसंद आ रहा होगा ये सोनपुर का मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला। थक चुका हूँ काफ़ी मैं। इधर हमारे सोनू भैया, इनका चेहरा देखो 12 बज गया है बेचारे के चेहरे पे। थोड़ी सी चाय का टेस्ट अच्छी वाली आ रही थी मेरे नाक में, तो सोचा थोड़ा पी लिया जाए।
आगे का वीडियो शायद ना बना पाऊं, मैं पूरी तरह थक गया हूं। अब सोनू भैया में अगर ये दम खम है तो ये अब वीडियो बना सकते हैं, बट मेरे से ना होगा भाई, मैं थक गया। आपका विचार क्या है सोनू भाई, बनाओगे आप? एक बेड मिल जाए, अच्छी वाली नींद ले लो। सोनू भैया का कहना है कि इस भीड़ भड़ा के इलाके में भी अगर बेड मिल जाएंगे तो अच्छी वाली नींद लेकर सो जाएंगे। क्षेत्र सोनपुर मेला 2022 रात का व्यू अच्छा है। तो ओवरऑल ये रहा सोनपुर का वीडियो व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। रात काफ़ी हो गया तो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा,